क्या हाल है? मेरा बहुत बुरा हाल है गले का। मुझे 2-3 दिन से फीवर, बिल्कुल कुछ बोला नहीं जा रहा। आज भी मेरा दिन भर बस ऐसे ही बहुत हेडेक गुजरा बाहर ही। मैं 2 पार्सल आए थे लेकिन मैं दिन भर घर पे नहीं थी, मैं खोल नहीं सकी। और ये अभी आई है मेरी तरफ तो वो वीडियो देख रही है, और ये अभी बनाना खा के इससे कहाँ फेंका है वो देखो, उससे ड्रेसिंग पे बनाना रखती है। तो कल मेरे घर में लंच भी है और डिनर भी। लंच में मेरी फ्रेंड आ रही है और अपनी बहन के साथ उसकी बेटी है, मनाल की फ्रेंड, मनाल लोग भी आएंगे। सॉरी मुझसे बिल्कुल ही बोला नहीं जा रहा। मैं अब इसके बाद आपको सिर्फ अपने पार्सल खोल के दिखाऊंगी। मैंने उसने कुछ शॉपिंग की थी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी जो मैं पार्सल में आए हैं खाड़ी के, वो सिर्फ मैं ओपन करने लगी हूँ क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखे ये कैसे है। एक्चुअली मैं फ्राइडे को गई थी शॉपिंग करने, तो खाड़ी ही होनी थी लंच सैटरडे को। मुझे इतने अच्छे लगे सुबह ही मैंने फिर वो बुक कर दिए कहीं सेल ही। खाड़ी पे तो बहुत रश होता है। अब ये मेकअप अटैक होने लगा मेरा, कभी सर्दी कभी गर्मी और अजीब सही मौसम है। और ये वाला ब्लैंकेट मैंने स्पेशली इन बच्चों के लिए रखा हुआ है रेड कलर का, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं बड़ों बड़े फिर, तो बच्चों के लिए भी मैं सेपरेट ही रखती हूँ ताकि वो साफ़ ही रहे उनका ना। तो मैं इनको ओपन करती हूँ और देखती हूँ मेरे ड्रेसेस जो आए हैं वो अच्छे भी हैं कि नहीं है। मैंने पार्सल ओपन कर दिए। पहले मैंने एक बुक करवाया था ये वाला, ये 2-3 दिन बाद मिले हैं क्योंकि मेरे ड्रेस समझाना इनको समझना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं कैसे आइए, मुझे कलर्स बड़े अच्छे लगे थे और इसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, 22। मैं विंटर में ज़्यादा तो 2 पीस लेती हूँ। सॉरी मेरी आवाज़ इतनी अजीब हुई हुई है कि मुझे सब पूछ रहे हैं क्या हो गया। और ये भी 22 का है और दिस वन आल्सो इज 2200। तो ये ब्लू कलर में है और कलर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कलर है और विंटर में तो ज़्यादा ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं। और ये देखें, इससे लिप बॉम लगाया तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये लिप कलर का, तो नहीं पोपो मैंने लिप बॉम लगाया। लेकिन मैक्सिमम आज 2 या 3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा गला खराब है। अभी चिकन भी वॉश मैंने करवाया है तो मैं अब उसमें दिखूँगी जो मैं साइड पर कर रही हूँ, थोड़ा काम आज करूँगी कि तबीयत खराब होने की वजह से इतनी हिम्मत भी नहीं पर हो पा रही। लेकिन मेरी फ्रेंड ने काफ़ी दफ़ा उसका प्रोग्राम बना कैंसिल हुआ, इस वजह से मैंने कहा कि नहीं आप तुम आओ, क्योंकि वो वैसे भी बहुत 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 मुश्किलों से आती है। चलें जी मैं अभी ओपन करती हूँ। तो विंटर तो पता नहीं कब आएगा, बट विंटर की शॉपिंग जो होती है ना, मेरी शुरू से आदत है मैं स्टार्टिंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइन आपको स्टार्ट में मिलते हैं ना वो बहुत रेयर होगा कि आपको बाद में मिले। टॉप के जो कलर्स है ना, कलर तो बहुत प्यारे हैं इसके, ब्राइट कलर है। हाँ थोड़ा ट्राउज़र का कलर डिफरेंट है, तो मुझे से लाइक पिक्चर में तो लाइट आ रहा है ना, ये देखिए लेकिन इसमें डार्क कलर अच्छा लगा मुझे वैसे ये वाला। मानो ये देखेंगे एक पोनी करके आई हुई आज, और ये क्यूट मेरी डॉल्स हैं, बहुत प्यारी हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्यारा है, मुझे स्पेशल बोल रहे थे कि मामा पापा वॉक पे जा रहे हैं तो इनको को इधर छोड़ जाएं बच्चों को। मानो ये खींचना प्लीज़, इसको बाहर निकालना, मैंने बाहर निकालना है। चले मैं निकालता हूँ, मुझे तो मुझे कोई अच्छा ना लगा कलर तो मैं इसको जाके चेंज करवा लूँगी कार्डे के। लेकिन ये ओवरऑल सभी कलर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे हैं। ये तो ब्लू वैसे ही आपको पता चल रहा है, खिला हुआ कलर है। तो ये है जी मेरी विंटर के 3, ये 3 मैंने निशात से लिए हैं। तो बस अब उसके बाद देखूंगी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लेने लगे, क्योंकि मैं लेती 2 पीस ही हूँ। मैं ऊपर पंचो ले लेती हूँ या स्टोर्स वगैरह लेती हूँ। ओके जी, इसके बाद फिर सुबह इंशाल्लाह या भी जो देखती हूँ हिम्मत पड़ी तो बनाती हूँ वीडियो थोड़ी सी। मुझे उससे मैं दिखानी याद नहीं रही, मीनूसो से मैंने ये चप्पल ली थी अम्मी का, इसमें दादू का पीच कलर है ना, हाँ तो ये 349 की थी। और ये देखिए अपने जाको उतार के बैठ गई मैडम और के देखने आई पप्पो क्या कर रही हैं। एक ये ली थी, एक मनाल ने अपनी कैप ली थी, मेरा कुछ इतना खास काम नहीं था, बस मैंने दुपट्टों को पीको वगैरह इस तरह के काम थे। और ये सुबह के हैंगर भी इधर ही पड़े हुए हैं, मैं आज सुबह से ही निकली हुई थी। और ये मैंने नाइफ ली है स्पेशल, मैंने ऑनलाइन देखी थी
ये मेरा शॉप की जिससे मैं क्रॉकरी लेती हूँ लोकल शॉप है इधर कैंट में सर्वर, तो कहते थे बाजी मैं आपको मंगवा के दूंगा तो आप ना लें, तो फिर मैंने ये लिए हैं। आज कुछ फिर थोड़ी सी आवाज़ ठीक हुई है, क्योंकि रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि फीवर से ठंड से मेरा बुरा हाल हो गया था। तो अभी 11:15 हो रहे हैं, मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी काम ख़त्म हो गया, नहीं काफ़ी नहीं, अभी दो ही चीज़ें हुई हैं। तो उसने 1 बजे तक आ जाना मेरी फ्रेंड ने, तो मैं अब नाश्ता करने लगी हूँ। मैंने रात को नीम गर्म दूध पिया था तो कुछ मुझे सुकून मिला, मेरे शोल्डर्स और बॉडी में इतनी पेन, फिर मैंने मेडिसिन ली। तो अभी मैं ये पापे और ये 2 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत गले में सुकून मिलेगा। और आपको दूध से बहुत सुकून मिला था, ये और बात है मुँह का टेस्ट बहुत गंदा हो रहा था मेरा। एनीवेज मैं बना रही हूँ पुलाव बिरयानी और साथ चिकन जिंजर स्पेगेटीज कबाब मेरे बने हुए हैं ऑलरेडी, और चिकन मैंने जो फ्राई करना है उसको मैंने रात को ही टिक्का मसाला लेमन और दही डाल के कर दिया था, बॉईल कर दिया था। अब उसको जस्ट बेसन की कोटिंग करूँगी या सिंपल कोटिंग कर सिंपल ही फ्राई कर दूँगी। मुझे रात को हॉस्पिटल भी, मैं कल सारा दिन हॉस्पिटल थी, मेरे देवर की माशाल्लाह बेटी हुई है, तो वो मैं फिर मे भी रात को भी जाऊँ उधर भी खाना लेके। तो मेरी इतनी तबीयत अजीब सी ना, शायद वेदर चेंज हो और कुछ, उस दिन बाहर गए हैं तो वो चिल, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, मुझसे चिल नहीं चीज़ पी जाती, पानी तो हम काफ़ी अरसे सिर्फ गर्म पी रहे हैं। तो मैं अब नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी अपना जो किचन का काम है, अभी मुझे फ्रूट चाट भी बनानी है, स्वीट डिश भी बनानी है। स्वीट डिश मैं चॉकलेट फर्जी बना रही हूँ क्योंकि वो नादिश को बहुत पसंद है और मनाल ने भी आना, उसको भी बहुत पसंद है, तो मैं स्वीट डिश में वही कर रही हूँ। जले हुए कबाब हम लोग खाते ही ऐसे है ना, साइड में रखो कोल्ड ड्रिंक्स, वो पीछे रखो, पानी भी एक जग में ना उधर ऊपर से मैं निकाल के देती हूँ। स्प्राइट भी ले आओ, स्प्राइट तो शेल्फ पे पड़ी हुई है। अभी मैं स्लाइम के साथ खेलती हूँ, अभी नहीं मस्त हुई हुई है, मैं तैयार हुई हूँ अभी, आज क्योंकि पढ़ी आ रही है इससे मैं तैयार हो गई हूँ। तो मामा आएंगे ना तो मैं चली जाऊँगी, तो पढ़ी पता नहीं कब आएगी। तो क्या कौन, आज मंडे है, उस वक्त बज रहे हैं 5 ऑलमोस्ट, हाँ जी 5 का टाइम। परसों लंच के बाद मैं अम्मी घर चली गई थी, मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी खाना लेके, लेकिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम तो बिल्कुल ही नहीं जाओ, तो मम्मी की तरफ चले गई, उन्होंने आने नहीं दिया, और 2 दिन मैंने बहुत खिदमत करवाई। स्टिल मुझे अभी भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मुझे एक्चुअली मेरा ठंड की प्रॉब्लम होगी, सुबह वॉक करती रही हूँ
उसकी वजह से भी, और बहुत सब ने बहुत किया उधर। नहीं नानी कभी सूप बना रही है, कभी अम्मी एग बॉयल करके दे रही हैं, और कभी अम्मी दूध का दलिया बना के दे रही हैं। हस्बैंड लैदा टिप्स भेज रहे हैं, ये करो वो करो दूध लो, तो वो भी बहुत केयरिंग है। तो आज सुबह भी मैं घर वापस आ गई थी मनार के स्कूल के टाइम पे ही, ये इतने प्यारे फ्लावर्स हुए हैं ना। शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी मुझे चेस्ट में है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा से गर्म कपड़े पहनो और अपने आप कवर करो और एग वगैरह लो, गर्म दूध पी रही हूँ। सब बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। चले मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर काफ़ी शोर है। तो पीछे जो उनकी जो सीवरेज की कोई नए पाइप्स पड़ रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी शोर है बाहर। ये मेरी न्यू चप्पल अच्छी है वैसे, ये मैंने खाड़ी का पहना हुआ कॉटन का। अब पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं। ये देखिए सीवरेज का इधर काम हो रहा है, तो उसकी वजह से सारा कुछ इन्होंने ना किया। माली आया हुआ, मेरे हस्बैंड माली से काम करवा रहे हैं।